Abu, Ami, आप लोग जाने के लिए कैसे तैयार हो गए? बेटा सिर्फ अलीना की हिफाजत के लिए। हम लोग वहाँ पर होंगे तो हमारी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होगी उन लोगों की। बेटा ऐसे लोगों का क्या यकीन? न जाने किस बात में हमारी बेटी को मारे पीटे। हम लोग वहाँ होंगे ना तो हमारी अलीना महफूज होगी बेटा, बस इसीलिए जा रही। अम्मी, इन लोगों का क्या भरोसा है कबीर? कहीं मंगनी की जगह निकाह कर दिया था? एक बार मंगनी हो गई तो कम से कम कुछ वक्त तो मिलेगा हमें निकाह रोकने का। अम्मी चले। आज जीनत भाभी ने हमारे अम्मी अबू को जरूर डराया है, लेकिन हम नहीं डर सकते जरा। वो मंगनी किसी भी हालत में नहीं होने देंगे हम। बचाने के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो? हमारा क्या है, हम खुद को कानून के हवाले कर देंगे, मगर तुम अपने आप को इन कमीनों के हवाले मत करो, मत करो बेटा। अब्बू, अब्बू हमें जारा भाभी ने बता दिया है कि आपने अपनी गलती मान ली है और हर एक गलती की माफी होती है। आपको ये दूसरा मौका हम दिलवाएंगे। अब्बू आप हमारी फिक्र मत कीजिए, इस घर इस खानदान को आपकी हमसे कहीं ज्यादा जरूरत है। बेटा वो सब अपनी जगह है। अरे समधी साहब, आइए आपको मेहमानों से मिलाते हैं, आइए आइए आइए। मकसूद मियां बहुत बड़े व्यापारी हैं, समधी साहब हमारे। अस्सलाम वालेकुम। आमा मियां, बेटी की मंगनी में आयो, मैयत में नहीं। जरा मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, फोटो खींचो, आइए फिर। अलीना देखो, हम हर मुश्किल का हल निकाल लेंगे, हम सब हैं तुम्हारे साथ, ऐसे हार मत मानो। हमने तुमसे कहा है कि हम तुम्हारे लिए एक ऐसा रिश्ता लेकर आएंगे जिस पर ना सिर्फ तुम बल्कि पूरे खानदान को फख्र होगा। अलीना सिर्फ अपने बड़े भाई की जबान की इज्जत तो करो। संधि जी आप ही चलाइए। या अल्लाह, हम ये सब नहीं देख सकते,
हमारी मदद कर मौला। अलीना, हमने तुमसे क्या कहा था कि डरने की कोई जरूरत नहीं। ये पुलिस कमिश्नर है, इन्हें सब कुछ बता दो। सच क्या है कि किसने तुम्हें डराया, धमकाया और कौन है वो लोग जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? राठौर साहब, गलत इल्जाम लगाया जा रहा है हम लोगों पर। हम गलत इल्जाम लगा रहे हैं? रुकिए, मैं बात करता हूं। अलीना के दिल में सही फैसला करने की समझ डाल दे। मिस्टर कबीर, सब कुछ आपकी बहन की मर्जी से हो रहा है। वो कह रही हैं कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अब हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही आप। राठौर साहब, इसका मतलब कि हम मंगनी और शादी कर सकते हैं? जी। मंगनी का ऐलान कीजिए और वैसा ही कीजिए जैसा बोला गया था। हाजरीन, हमारी बेटी का रिश्ता सलामत भाई के बेटे के साथ होने जा रहा है। यह हमारी खुशकिस्मती है। मंगनी की रस्म अभी शुरू होने वाली है, आप दोनों को दुआएं दें। पूरी जिंदगी जिस माँ बाप ने तुम्हें पाला, पोसा, बड़ा किया, इस काबिल बनाया, तुम्हारे हर एक अरमान पूरे किए, क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगी? बेटी होने का फर्ज नहीं निभाओगी? लेकिन अगर अब्बू जेल चले गए तो हो सकता है बदनामी की वजह से उनकी जान चली जाए। आइए समधी जी, मंगनी की रस्म पूरी करते हैं। समझी जी, आइएगा।
ठंडा रखो, अम्मी और अब्बू पर नजर डालो। चुपचाप से मंगनी की रस्म देखो, नहीं तो यहां से निकल जाओ। इतनी हिम्मत नहीं जारा कि हम अपनी बहन की जिंदगी को बर्बाद होता हुआ देख सकते। चलो हमारे साथ। एक मिनट, हम ये अम्मी अबू का खेला नहीं छोड़ सकते हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। आज इसे यहां से जाने मत देना, मंगनी में आया है, खातिर पूरी होनी चाहिए। हो जाएगा। रुक जाओ, कोई इसे नहीं मारेगा,
ये मेरा बदला है। इसने जिन हाथों से मुझे मारा, इसके इन्हीं हाथों की एक एक हड्डी मैं तोड़ूंगा। कौन है बे? तुम में से जिस किस्म में भी हिम्मत है वो आगे बढ़े और इसे हाथ भी लगाकर दिखाए। कबीर, कबीर, कबीर। अबे एक हाथ तो है नहीं, दूसरा हाथ बचाना ना तो भाग जाए यहां से। हमारी दुश्मनी कबीर से है, हम इससे अपना बदला लेने आए हैं। तू बीच में मत पिस, समझा? कबीर, तेरी बहन को तो तुझसे छीन लिया, अब तुझसे तेरे खड़े होने की ताकत छीनूंगा। जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। कबीर नहीं जा। कबीर, कबीर। ये इस काबिल नहीं है कि इसके खून का इल्जाम तुम अपने सर लो। और वैसे भी जिंदगी लेना और देना तो अल्लाह के हाथ में होता है ना, हम क्यों उसे मारे? कबीर, देख लूंगा, सबको देख लूंगा। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सचमुच बहुत बहादुर हैं। I'm sorry. It's okay. Sorry किस बात के? बहुत बड़ी गलतफहमी के लिए। इतने गुंडों के बीच हम कबीर को अकेले नहीं बचा सकते। मैं मदद मदद चाहिए। सुनिए, अरे अरे सुनिए, प्लीज गाड़ी रोकिए। सुनिए, एक्सक्यूज मी, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। अगर आपने हमारी मदद की कि तो लोग कबीर को मार डालेंगे। आप सुन रहे हैं हमारी बात? चलिए, कहाँ चलना है, क्या प्रॉब्लम है? हमें माफ कीजिएगा, प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप उन गुंडों से कैसे लड़ेंगे? मतलब आमिर नाम है हमारा। नाम मजबूर है, नाम मगरूर है, एक हाथ नहीं है हमारा, फिर भी बहुत काम की चीज हम जरूर है। चले। वैसे जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी मदद की, मगर अफसोस हम अपनी छोटी बहन की मदद ना कर पाए। कैसे दिन देखने पड़ते हैं ना कबीर। नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारी खुद की छोटी बहन अलीना हमारी बात नहीं मानती। कर ली ना उसने मंगनी।